देखिए अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि नंबर एक पे है डाली, नंबर दो पे है जूही, नंबर तीन पे है करीना, नंबर चार पे है माधुरी दीक्षित, नंबर पांच पे है जया, नंबर छह पे करिश्मा और सुरीली का कोई अता पता नहीं है। सुरीली का अता पता नहीं है, अरे अरे मौसी रो मत, शायद सुरीली बहुत तेज चला रही होगी इसलिए किसी को नहीं दिख रही होगी। क्या हुआ सुरीली, क्या हुआ भाभी? आराम से आराम से आराम से। क्या उस लड़की ने तुम्हें लात मारी? पापा कसम सुरीली, तुमको उस लड़की को लात के जवाब लात देना पड़ेगा। गुड्डू साइकिल उठा, साइकिल उठा सुरीली, सुरीली चलाओ साइकिल, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो संभाल के चलो चलो भाभी। पापा कसम गुड्डू, वो लड़की ने सही नहीं किया बे। अरे सही तो पिताजी नहीं करते थे यार। बिजी पांडे ये बताओ ये रेस कहाँ हो रही है? अबे आप कहाँ थे? अरे हम तो यहीं थे, तुम कहाँ थे?
दूधी कब तो बहुत अच्छा है, कल से दूध हमें तुम इसी में पिला दो। लाओ कोई छीन लेगा। हाँ, हाँ का परेशान कर रहा है। अरे भाभी थैंक यू किस लिए, ये तो हमारा फर्ज था, और देवर भाभी के लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा भाभी? मतलब कर रहा है, हमारा मतलब है ये हमारी बहन जैसी है। हाँ तो सही है। अरे वो गंदी भैया आप नई साइकिल लेके आ गए? अरे ये तो हमारी साइकिल है, पापा कदम हमने तो उसको कबाड़ को बेच दी थी ना, तो हम वहीं से वापस ले आए। और हमारे बर्तन और फूफा की घड़ी वो वही है। थैंक यू सो मच मुकंदी भैया। अरे थैंक यू हमारा नहीं, सुरीली का कहो, उसे पता था कि तुमने अपनी साइकिल बेचकर उसे साइकिल दिलाई है, तो उसने हमसे कहा कि अगर हम साइकिल रेस में 11,000 रुपए जीत गई तो बिज्जी को उसकी साइकिल वापस दिलवा देना, सो हम ले आए। अरे सुरीली थैंक यू, तो हम तुमको बोलने वाले थे। साइकिल तो पिताजी लाते थे, वैसे साइकिल बिजी पांडे ही लाया था। सच? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हम भी बोल देते हैं थैंक यू। ये बात, ये बात करने की क्या बात है, गांववाले गांववालों के काम आते ही है। जा बहुत हो गया सम्मान, जा। आप एक बात बताइए, कहा है आप कब काम आएंगी गांव वालों के लिए? है। बिल्कुल सही बकलोली कर रहे हैं। सुरीली एक बात बताओ, तुम्हें और कोई माए और मामा नहीं मिले, यही मिली? अरे यार एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, तुमको बता रहे हैं। क्या बकलोली कर रहा है, हमने झाड़ू कहा है अभी? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो देखे पर्पल कौवा है, पापा खत्म कितना खूबसूरत कौवा है, वो पेड़ के पीछे बैठे उधर देखते रहो देखते रहो। मौसी उड़ गया। अरे मामा ने इनवाइट किया था, बिल्कुल टाइम पहुँचे आपके लिए। अब देखो सुरीली बिटिया, वैसे तो विजी से हमें बहुत नफरत है, लेकिन साइकिल रेस में तुम्हारे साथ दौड़ के और तुम्हें साइकिल रेस जितवा के इसने हमारे दिल में थोड़ी सी जगह बना ली। अभी पापा कसम मामा आई लव यू। अरे दीदी सब लोग आ गए, कुछ खिलाओ इन लोगों को, सब लोगों को मिठाई खिलाओ। क्या बताएं, लापतागंज के चारों तरफ तो एक नाम उछल रहा है, सुरीली सुरीली। अरे बेटा हीरोइन हो गई हो तुम, और जानती हो हमको साइकिल नहीं मिला तो मोटरसाइकिल ले आए। का कर रहे हो? तालाब में से मछली पकड़ रहे हैं। सीधे सीधे जवाब काहे नहीं देते? तो तुम सीधे सीधे काहे नहीं देख लेती कि हम साइकिल में हवा भर रहे हैं? कल ही तो भरे थे। हाँ तो आज फिर निकल गई। ये कैसी साइकिल है तुमरी? हाँ कभी हवा निकल जाती है, कभी टायर तुमरी तरह पंक्चर रहता है। ओ कभी घंटी ना ही घनघनाती, कभी ब्रेक ना ही काम करता, कभी चेन निकल जाती है। हम तो कह रहे हैं नहीं स्कूटर काहे नहीं खरीदे। हाँ मुकुंदी बाबू काहे नहीं स्कूटर नहीं खरीदे, भाभी सही कह रहे हैं। देखो इंदुमती, ये जो साइकिल है ना, ये हमारी बहुत पुरानी साथी है, तुमसे भी ज्यादा पुरानी, बाबूजी ने उपहार में दी थी। जय बात, बाबूजी का उपहार कब का कबाड़ खाने में चला गया, भूल गए का ही हमरा उपहार।
उपहार है, तुम्हारी जेब से 10-10 रुपए निकाल के जोड़ के खरीदे थे। अरे हाँ, ये उपहार हम कैसे भूल गए, ये तो तुमने हमें दिया था। तो फिर हम इसे कैसे बेच सकते हैं इंदुमती? इतना ही बेच सकते, नया स्कूटर तो खरीद सकते हैं। स्कूटर कितना महंगा आता है पता है ना? तो वो वाला ले लो ना, वो दूसरे हाथ वाला। दूसरे हाथ वाला मतलब? दूसरे हाथ वाला, वो पुराना। तो सेकंड हैंड बोलो ना। वही वही खरीद लो ना। देखो इंदुमती, स्कूटर नया हो या सेकंड हैंड, विवाह और स्कूटर में कोई अंतर नहीं है। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि विवाह करना और स्कूटर खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन विवाह के बाद गृहस्थी का खर्चा चलाना और स्कूटर खरीदने के बाद पेट्रोल का खर्चा उठाना बहुत कठिन है। अरे देख नहीं रही हो, सरकार हर दूसरे तीसरे महीने पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है, जबकि तनख्वाह बढ़ती है कई कई साल बाद। तुमसे बात करना ना एकदम फजूल है, बेकार है, हमेशा दिमाग का दही बड़ा करते हो। हमारे मन में बस इतना ही था कि अगर घर में स्कूटर आता तो अच्छा होता। ये लो डिब्बा, तुम्हारी मन पसंद आलू मेथी की सब्जी बनाए है। ए जी, क्या है? आजकल हमारी पसंद का बहुत ख्याल रखती है। तो तुम हमारे पति हो ना, तुम्हारी पसंद का ख्याल ना ही रखेंगे तो क्या पड़ोसन के पति की पसंद का ख्याल रखेंगे? तो आज हम दफ्तर से जल्दी लौट आएंगे और तुम्हें अपनी पसंद बताएंगे, फिर तुम हमारी पसंद का ख्याल रखना। चल हट जाओ दोस्तों, जल्दी आना। टाटा। क्या हुआ भैया, आप एकदम मुरझाए हुए फूल की तरह क्यों लग रहे हो? अबे यार गुड्डू, हमारे मुंह का मर्डर हो गया। किसने किया? और कौन, हमारे पूज्य पापा ने। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया भैया? अबे यार गुड्डू, पापा कसम, हमारे पापा ने हमको पैदा तो किया लेकिन पैदा करके भूल गए। भूल गए कि उनका एक लड़का है जो गुड लुकिंग है, हैंडसम है, अडोरेबल है, इंटेलिजेंट है, डाउन टू अर्थ पर्सन है बे, जिसके चेस्ट में एक दिल है जो सुरीली के नाम पर धड़कता है। अब यार हमने सुरीली से प्रॉमिस किया था कि हम उसको स्कूटर राइड पे लेके जाएंगे, हमने पापा से स्कूटर मांगी तो हमको जो है मना कर दिया, कहने लगे अबे स्कूटर पे हाथ लगाया तो हाथ टांगे तोड़ लेंगे तुम्हारी। ये तो बहुत दुख की बात है भैया। कहा बीजी पांडे, कहा ले बे? हमारे हाल जैसे भी हो, आप अपने हाल का ख्याल क्यों नहीं रखते? जाइए जाके ऑफिस में बाबूगिरी क्यों नहीं करते आप, बात कर रहे हैं। अबे गुड्डू, ये इतना उखड़ा उखड़ा का है? क्या बताएं मुकुंदी भैया, भैया का दुखड़ा ही ऐसा है कि कोई भी उखड़ा उखड़ा हो जाएगा। इन्होंने सुरेली भाभी से वादा किया था कि स्कूटर पर घुमाएंगे, लेकिन इनके पापा ने स्कूटर देने से साफ मना कर दिया। अरे बीजी पांडे यार, हमारे पास स्कूटर होता तो हम तुम्हारी जरूर कोई मदद करते, लेकिन हमारे पास तो साइकिल है यार, क्या करें? ऐसा है, माफ कीजिएगा पापा कैसा, आपके पास ये जिंदगी भर साइकिल ही रहेगी। एक वो थैला टांग लिया जिसका पता नहीं कि उसके अंदर होता क्या है, एक वो टिफिन टांग लिया जिसमें लौकी सब्जी मिलती है, और तुम क्या करो भाई है, तुमको ज्यादा बात करने के तुम्हारे, इनकी तरह हो जाओगे तुम भी। चलो हजार नहीं मुकुंदी लाल, घर के पीछे वाली दीवार की मरम्मत भी करवानी है, 5,000 तो उसी में लग जाएंगे। अरे जीजा जी, नई स्कूटर खरीदेंगे? अरे हाँ मुकुंदी भैया ने नई स्कूटर खरीदी है। वाह मुकुंदी भैया, क्या फर्राटा जोर चल रही है। स्टॉप 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 स्टॉप। कहा जीजा जी, बिना साले को बोले ही नई स्कूटर खरीद ली? अरे नई तो नहीं है पर स्कूटर है। चलो इंदुमती को दिखा के आते हैं टनाटन स्कूटर। मुकुंदी भैया जल्दी घर जाइए, कहीं बारिश आ गई तो आप भीग जाएंगे। अरे हमें अपने भीगने की चिंता नहीं है, हमें तो स्कूटर के भीगने की चिंता है।
ये घर मना ही है, बाद में आएंगे। अरे कौन घर मना ही है, इंदुमती हम आए हैं हम। आ गई है तुम? हाँ। और ये टोपी काहे पहने हो? पर हाय दया, ये कहाँ है स्कूटर? अभी साइकिल कहाँ है? अरे वो दफ्तर में छोड़ आए हैं। मिश्रा जी ने कहा है कि घर पहुंचा देंगे। स्कूटर किसे उधार लाए? उधार नहीं लिए हैं, अपने पैसों से लाए हैं। अरे तुम सुबह कह रही थी ना कि स्कूटर खरीद के लाओ, स्कूटर खरीद के लाओ, तो खरीद लाए हैं। जी जी, तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम तो हमारी साली और हम तुम्हारी जीजा हैं जो तुमसे मजाक करेंगे। एकदम सच बोल रहे हैं, स्कूटर खरीद के लाए हैं। जैकपॉट! अरे हमारे घर में स्कूटर आया, स्कूटर! हम अभी पूजा की थाली लेकर आते हैं। काम को लियो आगो, नया स्कूटर खरीद लिया है? हाँ चाचा, कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। चलने में उससे भी बढ़िया है, एकदम टॉप क्लास। होता है, कभी कभी टॉप क्लास भी होता है। अरे टॉप क्लास तो पिताजी थे। ये बताओ मुकुंदी बाबू, कितना लिया? पूरे 5,000 रुपए। टेबल के नीचे से या टेबल के ऊपर से? ए मामा, तुमको क्या लगता हमने रिश्वत के पैसों से खरीदा है स्कूटर? अरे रिश्वत तो पिताजी लेते थे, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। पूछते हैं, कभी कभी लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं। लेकिन हम तो ऐसे कभी नहीं पूछते। अब कभी कभी लोग नहीं भी पूछते हैं। वैसे अगर पूछ ही रहे तो बता दे कि हमने जो स्कूटर अपनी मेहनत के 5,000 रुपए देकर टिल्लू मैकेनिक की दुकान से खरीदा है। टिल्लू मैकेनिक? जीजा जी, आपने बहुत अच्छा किया है। हाय दया, इला इला। अरे जका कर रही हो? ताकि इन सबकी नजर ना ही लगे। दीदी, अरे ठप्पे लगा के स्कूटर की शक्ल खराब करके रख दी है।